अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हूँ, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एडिशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन आज हम करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, एक छोटी सी एक एग्जांपल है, इजी एग्जांपल, कि हमारे पास एक अल्कीन रिएक्टेंट है, इसके ऊपर एच बी आर का रिएक्शन करेंगे, वो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, ब्रोमो इथेन। तो ये कैसे बनेगा और कैसे होगी, इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफाइल एडिशन कहते हैं। इसका मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म के अंदर अगर हम बात करें, ये जो एच बी आर है ये ब्रेक होगा दो आयन में, एच पॉजिटिव आयन में और बी आर नेगेटिव आयन में। फिर ये फर्दर सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा, ये जो अल्कीन ग्रुप है ये जाकर रिएक्ट करेगा किसके साथ, एच प्रोटॉन के साथ, ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर एच के ऊपर अटैक करेगा और ये जाकर क्या होगा, ऐड हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, ये कार्बन कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। फिर इसके ऊपर ये जो बी आर है ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इसके ऊपर अटैक करेगा और बॉन्ड बना लेगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। अब चंद एग्जांपल मैं दे रहा हूँ इसमें, वो आप सॉल्व करिएगा। वन एग्जांपल, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन के साथ एच बी आर का रिएक्शन करेंगे, ईथर एज अ सॉल्वेंट के तौर पे जो प्रोडक्ट बनेगी वो आपको बनानी है। सेकंड एग्जांपल, टू मिथाइल पेंटेन टू इन टू मिथाइल पेंटीन पेन टू इन कह लें या टू पेंटीन कह लें, थर्ड एग्जाम्पल फोर मिथाइल पेंट इन या पेंट वन इन, ये तीन एग्जांपल हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा। इंशाल्लाह ये आप लोग के समझ में आएगा। नए वीडियो में मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर हूँगा नए टॉपिक के साथ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।